आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर का, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 मार्च, बी 1 मार्च, सी 3 मार्च, डी 5 मार्च। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। उद्देश्य इसका जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष व्यवहार में समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 2024 की थीम क्या है, तो हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना इसकी थीम है 2024 की। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की जनऔषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मॉरिशस भारत की जनऔषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। मॉरिशस भारत की जनऔषधि पहल से जुड़ गया है। इस प्रकार से मॉरिशस भारत की जनऔषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है। इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाइयों का लाभ होगा। मॉरिशस में जनऔषधि केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, तवी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव जो है शुरू हुआ है। 1 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है। यह तवी महोत्सव 1 से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 48, बी 42, सी 43, डी 44। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42वां है। इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 42वीं है। भारत ने 55 देशों में 42वीं रैंक हासिल की है। भारत का कुल स्कोर 38.64% रहा है। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 18, बी 13, सी 6, डी 9। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार 2022-23 के लिए घोषणा किया गया है। संगीत नाटक अकादमी 2022-23 के लिए 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये विजेता कौन कौन से हैं, तो राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी कलाकार हैं, दुला राय नाट्यकार हैं, दुला राय नाट्यकार थे, विनायक खेड़ेकर लोकगीतकार, सुनैना हजारीलाल कथक कलाकार, आरर विश्वेश्वरन बिगड़ा वादक, डीपी सिन्हा नाटककार। तो ये सभी जो है विजेता हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक को किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी, बी पी ए श्रीधरन पिल्लई, सी नीतीश कुमार, डी गुलजार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पी एस श्रीधरन पिल्लई जो है इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक को लिखा है। गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर आधारित पुस्तक है। प्रश्न नंबर 7 है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। L&T, माइक्रोसॉफ्ट और CISCO आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम पेश करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, बी शशि थरूर, सी अहमद सेन, डी सुनील भारती मित्तल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुनील भारती मित्तल जो है ब्रिटेन में किंग चार्ल्स द्वितीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। नाइटहुड उपाधि ब्रिटेन में दिए गए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान है। प्रश्न नंबर 9 है, केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? ऑप्शन ए 7, बी 10, सी 15, डी 20। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 7 बिल्लियों की प्रजातियों को संरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। 2027-28 तक 5 साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी भी दी है। इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रश्न नंबर 10 हमारा, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में स्थापित किया जाएगा। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इससे संबंधित आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।